नमस्कार, झरोका चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की कविता गीत गाने दो मुझे की व्याख्या। इस कविता की व्याख्या के साथ साथ हम आपको इसमें आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य और प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 की कविता गीत गाने दो मुझे की व्याख्या। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे यह खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठी फिर सींचने को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। तो ये निराला जी का गीत था। इसके शब्दार्थ देखते हैं। इसमें एक शब्द आया वेदना, इसका अर्थ होता है पीड़ा। पाथे कहते हैं रास्ते के लिए रख लिया गया भोजन। काल अर्थात मृत्यु और प्रथा का तात्पर्य है पृथ्वी। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत कविता कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक अंतरा से अवतरित की गई है और इसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ पर कवि ने असहाय जीवन का चित्रण किया है। और अब शुरू करते हैं इस गीत की व्याख्या। निराला जी कहते हैं कि मैं इसलिए गीत गाना चाहता हूँ ताकि मेरे हृदय की पीड़ाएं मिट जाएं। वे कहते हैं कि जीवन रूपी राह पर चलते हुए मैंने इस तरह चोट खाई है कि उसने मेरे होश ही उड़ा दिए हैं। जिंदगी की राह पर चलते हुए जिन हाथों का सहारा था उसे ही ठग रूपी ठाकुरों ने लूट लिया, अर्थात श्रम पर भी पूंजीपतियों ने डाका डाल दिया। और अब तो यह स्थिति है कि गला रुंधा जा रहा है और मृत्यु निकट आती हुई जान पड़ रही है। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीवन रूपी संग्राम से पराजित होकर संसार में जहर भर गया हो। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी की लौ बुझ गई हो, इसलिए उसे सींचने के लिए फिर से जलना होगा। तो ये था निराला जी की कविता का भावार्थ, उसकी व्याख्या। और अब करेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला गीत गाने दो मुझे में अनुप्रास अलंकार है, गा वर्ण बार बार आया है। दूसरा होश के भी होश छूटे, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। और तीसरा ठग ठाकुरों ने रात लूटे में रूपक अलंकार है, क्योंकि ठगों को ठाकुर बना दिया गया है। चौथा है संसार जैसे हार खाकर, यहां उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें जैसे शब्द आया है जो तुलना करता है। और पांचवा है जल उठो फिर सींचने दो, इसमें विरोधाभास अलंकार है। जलना और सींचना परस्पर विपरीत बातें हैं, पर कवि ने उसे एक साथ यहां प्रयोग में लाए हैं, इसलिए वो विरोधाभास। और अब भाव सौंदर्य। यहां पर निराला जी ने ऐसे समय का संकेत किया है जहां निरंतर संघर्ष ही संघर्ष है। मूल्यवान मनुष्यता मिटी जा रही है और संसार में हाहाकार मचा हुआ है। मनुष्य में जिजीविषा मिट गई है, इसे ही कवि एक दीपक की लौ की तरह जलाने, अर्थात निराशा के स्थान पर आशा का संचार करने की कामना अपनी कविता में करते हैं। तो ये भाव सौंदर्य था।
और अब इसी कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? उत्तर है, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में इसलिए आई क्योंकि कवि का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। उसने अपने जीवन पथ पर चलते हुए बहुत सी बाधाओं का सामना किया है। जीवन में वेदना और दुख ही सदैव बना रहा। सामाजिक असमानताओं और कुरीतियों ने उसे बहुत दुखी किया है। वह लगातार विरोध करता रहा और उसने कभी भी उनसे हार नहीं मानी। परिस्थितियां इतनी भयानक और निराशापूर्ण रही कि उसके अंदर जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ भी कहने में समर्थ नहीं रह गया है। और अब प्रश्न दूसरा, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? उत्तर है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत उसकी उनकी ओर है जो समाज के धोखेबाज लोग हैं। इन धोखेबाज लोगों का शिकार गरीब किसान और मजदूर बनते हैं। ये उनका शोषण करते हैं और जीवन को नारकीय बना देते हैं। ये पूंजीपति और सामंत वर्ग के लोग हैं जिनका उद्देश्य ही किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। और अब प्रश्न तीसरा, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य इस प्रकार है, कवि की यह पंक्ति निराशा और दुख से उबरने की चुनौती प्रस्तुत करती है। इसमें जीवन के प्रति आशा जगाने और बाधाओं से संघर्ष करने की एक ललकार है। और अब चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। इसे इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रस्तुत कविता में कवि की ओर से उत्तम मनुष्यों के लिए यह चुनौती पेश की गई है कि वह दुख और निराशा से युक्त समय से जूझें, संघर्ष के लिए तत्पर रहें, निराशा में कभी ना पड़ें, जीवन के प्रति सदैव आस्था बनाए रखें और बाधाओं का सामना करें। तो यह था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला हिस्सा। अगली बार हम निराला जी की दूसरी कविता सरोज इस स्मृति की व्याख्या करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।